तो ये है टाटा एस जो कि है गुड्स कैरियर। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा जो कैबिन एरिया है वो पूरी तरीके से सड़ गया है, कोरोड हो गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं मडगार्ड भी पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है, तो इसको रिपेयर कर रहे हैं अब। तो कुछ ऐसी कंडीशन है रिपेयर के पहले और रिपेयर के बाद हम देखते हैं कंडीशन क्या होती है इसकी। तो ड्राइवर सीट के साइड का भी कुछ इस तरीके से कोरोड हुआ है, तो इसको भी रिपेयर करना है अब। अब देख सकते हैं मडगार्ड का जो पार्ट है पूरी तरीके से कोरोड हुआ है, तो देखते हैं अब रिपेयर करने के बाद कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरीके से पेटी बनाई हुई है। अब इसको जब वेल्ड करेंगे, हाथ के असेंबल करेंगे, तब मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। केबिन का रस्टेड जो पार्ट था ड्राइवर साइड का वो था, ये हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे अब। तो जो पार्ट बना है कुछ इस तरीके से बनाए हैं, अब इसको डायरेक्ट फिक्स करेंगे वेल्डिंग से। ओके,
चलिए फिक्स करते हैं। तो फाइनली गाइस रिपेयर करके हो गया है, जो ड्राइवर सीट का पार्ट था रिपेयर करके हो गया है। कुछ इस तरीके से हम लोग ने रिपेयर किया। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ कंडीशन दिखाई थी, क्या था, करोड़ हो गया था कैसे, और ये रिपेयर करने के बाद की कंडीशन है। ओके,
तो आप देख रहे हो जो मटेरियल यूज़ किया हम लोग ने वो है GI शीट 18 गेजिस का। हाँ, GI शीट था, उसको हमने फोल्ड करके बेंड करके कुछ इस तरीके से ऐसा पार्ट बनाया और कुछ इस तरीके से रिपेयर किया है। अब आप देख सकते हैं जो मडगार्ड का पार्ट है, जो एजिस है मडगार्ड के, इस तरीके से रिपेयर करना पड़े हमें। और जहाँ पे जो जो छोटा छोटा पार्ट था कोरोड हुआ था, वो ऐसे कुछ पैचेस बना दिए हम लोग ने। जो ये पार्ट है नीचे का पार्ट देख रहे हो, वो जो ओरिजिनल पार्ट था उसी शेप में बनाया गया है ये वाला पार्ट। यहाँ पे भी हम लोग ने GI शीट यूज़ की है, गैल्वेनाइज शीट 18 गेजेस की, और कुछ इस तरीके से हम लोग ने इसको शेप दिया है। ओवरऑल लुक इसका ये है, फाइनली वर्क इज़ कम्प्लीटेड। एक साइड का वर्क कम्प्लीट है, अब दूसरे साइड का करेंगे,